विक्षिप्त पागल आदमी हमारी बेटी को पकड़ के उसकी बेइज्जती करने लगे, तो यहाँ हम क्या अंग्रेजी कानून का पालन करेंगे कि चार खड़ाऊ मारेंगे स्वामी प्रसाद के थोबड़े में? ये बताओ, दलालों के काले अंग्रेजों को ये सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो किसी घिनौनी शर्तों पर हुआ है। यूपी में कड़े कई बड़े बड़े कत्लखानों की ओनर उत्तर प्रदेश सरकार है। औकात नहीं है राम राज्य लाने की, क्योंकि ये गोमांस बेच के क्या राम राज्य लाएंगे? सार्वजनिक संपदा को संपत्तिकरण किया जा रहा है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि हम मानव सभ्यता को सिखा पाए तब तो हम योगी हैं, और यदि हम स्वयं मांस बेचे तो किस बात की योगी? ढोल गवार शूद्र ब्राह्मण को शिक्षा क्यों नहीं? इस बात से सहमत है, पूरे 100% कर्मों से व्यक्ति पूजनीय होता है और कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का सम्मान और अपमान होता है। रावण के अंडे रावण के पिल्ले हैं वो, जो सिर्फ जाति के आधार पर अपने को उच्च बताते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, सनातनियों का देश बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं मनुवादी सोच के लोग जो है किस प्रकार से कहा जा रहा है कब्जा कर रहे हैं, वो बातें दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है संविधान से देश चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र था है और रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सनातनियों का देश है। इस विषय पर आम जनता के साथ साथ एक साधु संत स्वामी की राय जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, मेरे पास एक पोस्टर सत्यमेव जयते करके और इस वक्त मेरे साथ स्वामी दया शंकर दास महाराज जी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, और साथ ही साथ सैनिक हमारे जो हैं पूर्व सैनिक वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से ही बात करूंगी और दोनों ही बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। दिन ब दिन जो उथला पुथली मची है देश विदेश में उस पर चर्चा करूंगी। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। मैं भी नेशनल दस्तक का अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया, मैं चाहती आपका भी स्वागत करना चाहूँगी। मैं भी नेशनल दस्तक को नमन करता हूँ और देश के नागरिकों को सभी को अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि स्वामी जी आप देख रहे होंगे, आप अयोध्या से आए हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगी, अयोध्या से आए हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? सच्ची बात तो ये है कि अयम नजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। मनुष्य एक समझदार जिम्मेदार इकाई है, यदि इसको मनुष्यत्व के रूप में अवसर मिलता, मनुष्यत्व विकसित होने के अवसर मिलते तो ये पूरी धरती एक परिवार बनती। लेकिन इन तुच्छ मानसिकता के लोगों ने जो अपनी रोज राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं कुछ लोगों की लाशों पर, उनके द्वारा ये हिंदू मुसलमान की खाई बनाई जा रही है। कौन बना रहा है ये आरोप, किस पे लग रहे हैं ये आरोप? ये जो देश को बांट रहे हैं सत्ताधारी लोग, बीजेपी सरकार, जितने भी सरकारों में रहे हैं सबने देश में बांटने का काम किया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी वर्तमान में हो, इनने बांट करके डिवाइड एंड रूल, चूंकि ये पूरा अंग्रेजी स्ट्रक्चर है, अंग्रेज सौंप कर ही गए अंग्रेजों के दलालों के काले अंग्रेजों को, ये सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो किसी घिनौनी शर्तों पर हुआ है। लेकिन योगी जी के बारे में आपका क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी भगवा धारण करते हैं? मैं तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पत मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः सामे प्रिया। जो सर्वकाल में समाज को जोड़ता है, सर्वकाल में मनुष्य के अंदर जो अमानुष अमानवीय वृत्ति प्रवृत्ति है, आसुरी स्वभाव है, शिक्षा विधि से जो उसको परिष्कृत करके मानवीय बनाता है उसे योगी कहते हैं, और जो समाज को हिंदू और मुसलमान का टैग लगा करके सिर्फ राजनीति करता है उसे हम योगी मानते ही नहीं। सीएम योगी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो राम राज लाए हैं यूपी में। यूपी में कड़े कई बड़े बड़े कत्लखानों की ओनर उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसमें निरीह प्राणियों का वध करके मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमने एक संत चोलाधारी को हम सब संतों ने प्रमोट किया था, और हमने आशा की थी कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 से ज़्यादा हमारे सांसद वहाँ से संसद में बैठते हैं। हमने ये सोचा था कि 2014 के पहले जो बीफ
सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट, और जो पिंक रेवोल्यूशन की चर्चा हो रही थी गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख से, हम लोग सोचते थे कि इस देश में ये जय श्री राम वालों को स्थापित करेंगे तो देश में केंद्र में गौरक्षा तो जय श्री राम तो हो गया ना, रामराज कह रहे हैं चल रहा है। ये फरेब हमारे साथ धोखा हुआ है देश के साथ, ये इनके पास औकात नहीं है राम राज्य लाने की, क्योंकि ये गोमांस बेच के क्या राम राज्य लाएंगे? मुझे बताएं, क्या गोमांस बेच के राम राज्य लाएंगे? क्या गोमांस बेच के नहीं आ सकता राम राज, और ना ही विश्वगुरु बन सकता है। इसलिए इस देश को यदि राम राज और विश्वगुरुत्व के ऊपर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वास्तव में पूरी धरती पर मानवीय संवेदना जागृत करनी होगी। नेशनल दस्तक के दर्शकों से हमारा एक ये निवेदन है कि सारे इंसान जो शोषित पीड़ित वंचित अशिक्षित हैं, इन सब के हितों की रक्षा के लिए हमें शिक्षा विधि से बुलडोजर नीति पर क्या कहेंगे आप? बुलडोजर नीति पर हमारा एक ही कथन है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर असामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को जो दमन किया जा रहा है वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो उस भगवा के वेश में जो अनाज असामाजिक तत्व छुपे पड़े हैं, जो उस पार्टी के दलाल कुकर्म कर रहे हैं, जो उनके द्वारा नेचर को नोचा जा रहा है, जो सार्वजनिक संपदा को संपत्तिकरण किया जा रहा है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए राज सत्ता का कर्तव्य। पक्षपात हो रहा है अभी? हाँ जी, पक्षपात 16 आना हो रहा है जी, चल रहा है बुलडोजर। हम कह रहे हैं कि हमारे देश की जो नदियां हैं उनकी बालू का खनन यदि भाजपा के लोग कर रहे हैं, यदि भाजपा के गुंडे बालू उठा रहे हैं तो उस पर योगी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? हम कहते हैं यदि तुम समाज को, राष्ट्र को, संपदा को बचाना चाहते हो तो जाओ, तुम न्यायपूर्वक आप इस देश को आप बुलडोजर नीति के तहत ईमानदारी से आप काम करो। तो स्वामी जी आप बता रहे थे कि ये बुलडोजर नीति जो आप योगी जी को लाए थे वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। हाँ जी, नहीं कर रहे। तो कैसे करेंगे? हमने योगी जी से कहा था 2017 में, वो झांसी के पैरा मेडिकल कॉलेज में आए थे, उन्होंने जब कहा कि हमने अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए, तो हमने कहा भैया गुरु भाई तुम संत हो, ये संत परंपरा ने आज यदि उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो कम से कम संत और योगी का कर्तव्य था कि प्राणी मात्र की रक्षा, सनातन का सिद्धांत है। यदि ये सनातन राष्ट्र की बात करते, सनातन संस्कृति की बात करते तो सनातन संस्कृति का सिद्धांत है। सनातन संस्कृति कहती है यही बड़ा उपदेश पर द्रोह न करिए, कहे मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। अद्विष्ट सर्वभूतन, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का व्यवहार यदि हम मानव सभ्यता को सिखा पाए तब तो हम योगी हैं, और यदि हम स्वयं मांस बेचें तो किस बात की योगी? झूठ है ये योगी पना, और ये झूठ है, ये बिल्कुल पाखंड है। ये पाखंड फैला रहे हैं मतलब? हाँ जी, 16 आना पाखंड है, जो उत्तर प्रदेश की पवित्र रामकृष्ण की जमीन से निरीह प्राणियों का वध करके इस देश के तमाम लोगों को, तमाम आबादी को मांस प्रोवाइड कराएं, दुनिया में मांस व्यापार करें, ये काहे का योगी और काहे का? लेकिन जो लोग मांस खाना चाहते हैं वो तो वो कहते हैं यदि योगी तुम वास्तव में योगी हो तो मांस खाने को लेकर के, ये जो अभी जिस नीति पर हम चल रहे हैं ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर है। योगी भी लाचारी बता रहे हैं अपने के साहब, ये देश गुलाम है, अभी भी अंग्रेजी स्ट्रक्चर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, ये बात क्यों नहीं कहते योगी सदन में? सदन में कहें कि इस देश को असली आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। अभी फोकरापंथी क्यों कर रहे हैं कि देश आज़ाद है? आज़ाद नहीं है ये देश, अभी गुलाम है और अभी भी अंग्रेजी स्ट्रक्चर हो रहा है इस देश में। इस देश के अंदर जो शैतानी ताकतों को उनकी जो रसद सप्लाई की जा रही है, उन्हें मांस खिलाया जा रहा है। अरे मांस कौन खाता है? शैतान खाता है, हैवान खाता है। इंसान का आहार मांस नहीं है, मांस और शराब को रोक लगाना है। यदि योगी की बस का नहीं है तो भागो, भागो, सच्चे सपूत आ रहे हैं। जी जब आप इतने अर्थ बता दिए हैं तो बता दीजिए रामचरितमानस में जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ढोल गवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बता दीजिए उसका अर्थ। सच्ची बात तो यह है कि जो रामचरितमानस की पंक्तियां हैं उसका अभिप्राय लोगों को समझ में आता नहीं, और अर्थ का अनर्थ करके समाज में लोग आपस में अनावश्यक रूप से कलह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि संत तुलसी ने जो वहां पर शूद्र पद का तात्पर्य होता है, वह क्षुद्र शब्द आता है। जो क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, जो वास्तव में समझते ही नहीं है इस वर्णाश्रम व्यवस्था की वैज्ञानिकता को, वो उस चौपाई का गलत अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए क्षुद्र का तात्पर्य होता था जैसे कोई व्यक्ति पराई स्त्री और पराए धन पर कुदृष्टि डाले तो उसको दंड विधान है कि नहीं है बताओ? जैसे कोई हमारी बहन बेटी को प्रताड़ना का क्या अर्थ है फिर? प्रताड़ना का अर्थ शिक्षा ही है, शिक्षा है वो, शिक्षा अर्थ है। हाँ,
तो ढूल गवार सूद्र ब्राह्मण को शिक्षा क्यों नहीं? नहीं नहीं बेटा, सभी जितने भी आयोग हैं, ब्राह्मण का मतलब क्या होता था? ब्राह्मण का तात्पर्य होता जो विवेक संपन्न इकाई है, वो कोई भी हो सकता। हमारे जो संत हुए हैं रविदास जी, वो चमार वंश में हुए थे, लेकिन संत हुए वो अच्युत गोत्री, उन्होंने मानव सभ्यता में मानवीय मूल्यों को आचरण से प्रमाणित किया, तो आज वो पूजनीय है। कोई जाति से पूजनीय नहीं होता, कर्मों से पूजनीय होता। ये भारत इस बात से सहमत है, पूरे 100% कर्मों से व्यक्ति पूजनीय होता है, और कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का सम्मान और अपमान होता है। यदि कोई किसी की चोरी करता है, दूसरे की अस्मिता पर हाथ डालता है, तो उसको दंड का ही विधान है। जो कह रहे हैं दलित हो तुम, नीचे तबके के हो, हम उच्च हैं क्योंकि ब्राह्मण है, वो मूर्ख है, सोलाना रावण के अंडे हैं। क्या है वो? रावण के अंडे, अंडे रावण के पिल्ले हैं वो, जो सिर्फ जाति के आधार पर अपने को उच्च बताते हैं। कर्मों के आधार पर समाज उच्च और नीच होता है बेटा, ये शास्त्र कहता है। जी हाँ, कर्मों के आधार पर होता है। सोलह आना। तो ये शास्त्र जो नए नए शास्त्र उपज रहे हैं वो कौन बना देता है? ये जो धूर्त लोग हैं समाज को, जो विखंडित करना चाहते हैं, जो समाज में समरसता को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे ही धूर्त लोग इस समय ऐसा कुछ वितंडावाद फैला रहे हैं। अच्छा, परमहंस जी जो है एक, उन्होंने, वो भी अयोध्या के हैं, उन्होंने कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब टिप्पणी की थी कि जीभ काटने के, आँख काटने के, नाक काटने के 21 लाख रुपए, एक परमहंस को ये शोभा देता है किसी की जान के लिए ईमान नाम कहना कि 21 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ना उनको किसी की नाक काटने का राइट है, ना स्वामी प्रसाद को रामायण फड़वाने का राइट है। अगर कोई किसी की, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, यदि हम जैसे अपनी बेटियों को सम्मान देते हैं, आज हमारे सामने यहाँ कोई पागल विक्षिप्त स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मूर्ख विक्षिप्त पागल आदमी हमारी बेटी को पकड़ के उसकी बेइज्जती करने लगे, तो यहाँ हम क्या अंग्रेजी कानून का पालन करेंगे कि चार खड़ाऊ मारेंगे स्वामी प्रसाद के थोबड़े में? ये बताओ, हमारे सामने हमारी अस्मिता पर यदि कोई कुठाराघात करेगा, तो हम स्वयं जाके, यदि हम में दिल है, दिमाग है, तो हम उसको थप्पड़ मारेंगे, और इसलिए मारेंगे हम तो सिर्फ उसको शिक्षा देंगे ताकि वो कुम्हार घड़े की भांति वो सुधर जाए। हम तो आदमी को सुधारने के आखिरी सांस तक अवसर देंगे। जान लेने की हिम्मत कहां से आ जाती है? परमहंस पे ऐसी बातें शोभा करती हैं? वो परमहंस जाने, परमहंस है कि बगुला है, कि मछली है, कि अंडा है, हमें नहीं पता कौन सा परमहंस है, कौन सा परमहंस का मतलब होता है। विवेक संपन्न व्यक्ति को हंस कहते हैं, क्योंकि हंस क्षीर निर्विवेकी होता है। यदि इस समाज में साधु ही खून खराबा और जाति और धर्म और मजहब के बीच में बकवास छेड़ रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं, कालनामी हैं। साधुओं का कर्तव्य था कि पूरे विश्व की मानव सभ्यता को प्रेम के प्लेटफॉर्म पे लाते और परिवार मूलक प्रबंधन के लिए राज सत्ता को संस्कारित करते, लेकिन राज सत्ता की मलाई खाने वाले, पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले इन धर्माचार्यों को और ये तथाकथित जो धर्म सत्ता के मठाधीश हैं, इनको हम चैलेंज करना चाहते हैं कि साधुता का मतलब होता था मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्येकम दुरात्मनाम, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। हाँ बेटा, देखिए कितनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। क्या मैं भगवा वस्त्र धारण कर सकती हूँ? क्योंकि ये भी एक विवादित मुद्दा रहा है, जब दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहन ली तो कहा हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दिया। बेटा, इस भगवा की एक मर्यादा है, इसके पीछे एक सिद्धांत है, नियम है। जो व्यक्ति त्याग के पथ पर चलता है, ये त्याग का संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है ये त्याग? किस चीज़ का? भोग संग्रह का त्याग। पेट प्रजनन भोग संग्रह में ही दुनिया में द्रोह विद्रोह है। यदि हम त्याग की संस्कृति को आचरण से प्रमाणित करते हैं, जो आचरण की संस्कृति से प्रमाणित हो रहा है, वही भगवा पहनने का अधिकारी है। अभी तो रोहिंग्या जो घुसपैठी हमारे देश में घुस पड़े बेटा, उनने भी इस भगवा को धारण करके हमारे देश की आस्था का शोषण कर रहे हैं बेटा। इसलिए भगवा पहनने का राइट सबको नहीं है, ये उसी को है जो रंगों का भी जाति होती है बेटा। रंगों की जाति नहीं होती है, पहचान होती है। जैसे आर्मी की ये कैप इन्होंने लगाई है, ये हरा है तो मुस्लिम का भी तो हो सकता है बेटा। सुनो, ये रंग किसी का नहीं बेटा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारी समृद्धि का द्योतक है, ये हमारी हरियाली का द्योतक है, और ये हमारे त्याग का द्योतक है, और ये हमारी शांति का द्योतक है। समझ रहे बात को? इसलिए इस देश में, समाज में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जो समाज को बांटा जा रहा है, जो समाज को खंड खंड विखंडित किया जा रहा है, इसके पीछे अज्ञान है बेटा। जिस दिन हम शांत बुद्धि से आपस में संवाद करेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबकी बराबर संवेदना होती है। हम आपको भूखा प्यासा जब हम देखते किसी प्राणी को, तो उसको पानी और अन्न, जिस तरह से प्राण उसके उससे जुड़े होते हैं, इसी प्रकार से पूरी दुनिया को एक ही तरह का पोषण चाहिए। सबको उसकी प्राइमरी नीड पूरी हो और सबको उसके हिस्से का सम्मान मिले, उसके हिस्से का सामान मिले। इसीलिए ये व्यवस्था थी शासन प्रशासन की। लेकिन ये शासन प्रशासन ही दोगलापनी कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। शासन का मतलब होता था माँ की तरह, जैसे घर में अम्मा होती है ना, तुम्हारी भी माँ होगी, हमारी भी माँ है। घर में कुछ भी अच्छा बनता था तो वो न्यायपूर्वक सबको वितरण करती थी। किचन में वो अन्याय नहीं करती थी, किसके साथ, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करती थी। ये सत्य अन्याय
अन्याय कर रही है, बुलडोजर सिर्फ एक पक्ष पे चल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे बेटा कि जब तक समाज में मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, यदि कोई दूसरे जो दूसरे दलों के लोग नेचर को नोच रहे थे, खनन कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, नदियों की बालू उठा रहे थे, उनको तो हमने भी जब 2017 में चुनाव के दौरान थाना घेराव का कार्यक्रम किया था, हम भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग हैं, हम भी बचपन से भारत माता की जय हो परम वैभव पर राष्ट्र को ले जाना है और पूरी दुनिया में विश्व गुरुत्व का प्रकाश करना है, हम भी वही घटक हैं। लेकिन जब हमने दोगलापनी देखी कि सत्ता में जो आता वही नेचर को नोचता है, तो हम इनके खिलाफ, हम बगावत है मेरी, मेरी इनके खिलाफ बगावत है। जितने भी शोषणकारी लोग हैं, चाहे वो सत्ता में पूर्व सत्ताधारी हो चाहे वर्तमान सत्ताधारी हो, जो सत्ता का दुरुपयोग करता है हम उसके खिलाफ हैं। चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, एक्स वाई जेड जो भी चोर है उसको हम चोर कहेंगे और जो साहूकार है उसे हम साहूकार कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी कही, इन्होंने कहा जातियों से आप ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से आप ब्राह्मण होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप प्रथम है, वरना तो निचले तबके के हैं। आप क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से जारी हो गई, आपकी क्या राय है? देखिए बेटे, अगर इस इन रंगों के ऊपर अगर कोई जाति और धर्म का बंटवारा किया जा रहा है तो ये समाज को विकसित करने के लिए किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप समर्थन में नहीं है हिंदू राष्ट्र के? नहीं नहीं बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का ये नाम आया तो कहाँ से आया, हमें ये तो बताए कोई, कोई ये तो बताए कि हिंदू राष्ट्र आया कहाँ से। आर्य संस्कृति की बात करो, हमारा देश श्रेष्ठता को संवाहन करने वाला था, हम श्रेष्ठ गुणों के धारक संवाहक लोग थे, यहाँ पर संकीर्ण मानसिकता को स्थापित किया जा रहा है, हमारे हिंदू हिंदू करके संपूर्ण विराट दर्शन को संकीर्ण किया जा रहा है। जो हमारा विजन था पूरे विश्व कृणवंते विश्व मारियम, क्या क्या हमारा विजन था, कृणवंते विश्व मारियम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम ह्यूमन वैल्यू को डेवलप करेंगे, ये हमारा विजन था। उसको रोक करके हम संकीर्ण घेरे में मेंढकों की तरह, हम समुद्र में तैरने वाले लोग आज कूप मंडूकता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सत्यता है, इनके बातों में कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा देश जो है, आज भी जो विद्वान लोग हैं, जब यज्ञ या हवन या किसी भी जो नया कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो वहाँ करवाते हैं, जो इसके किसी का उद्घाटन भी करते हैं तो उसमें पंडित जो है उसमें सबसे पहले यही बोलता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशा अंतर्गते अमुक जनपद से अमुक गाँव में ग्रामे अमुक गोत्र से अमुक फलाना नामे, ये इतनी बातें सब बोलते हैं, आज भी विद्वान है ये पंडितों ने ही के नाम जो है इस प्रकार के समाज के अंदर जो कुछ जो कम पढ़े लिखे पंडित है जिन्होंने इस बात को पूरा तरह से नहीं ज्ञान की, उसको ज्ञान रूपी वर्धन नहीं किया, उन लोगों ने इसको तोड़ मोड़ देख लीजिए किस प्रकार से अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल है, जिसे आधा अधूरा ज्ञान है वही ऐसी बेतुके बातें करता है। लेकिन स्वामी जी से बात करके मुझे अच्छा लगा, जिस प्रकार से इन्होंने रामचरितमानस से लेकर अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करी, जाहिर तौर पर जिस तरह से बताया कि परमहंस जी को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती, ये सभी के लिए जागरूकता की बात है। हिंदू राष्ट्र पे मांग उठ रही थी तो मेरी इनकी राय और इन लोगों की राय जानना जरूरी था। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।